हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी लियो यानी सिंह राशि के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, इस राशि का सिंबल है लायन। सिंह राशि का स्वामी है सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट सूर्य यानी सन। सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं और सन से ही सारे प्लैनेट्स को एनर्जी मिलती है और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का दर्जा दिया हुआ है। सिंह राशि के लोग सूर्य की ही तरह सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, तेजस्वी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, अभिमानी और हार्डवर्किंग होते हैं। सिंह राशि के लोगों को किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सिंह राशि के लोग लीडर्स होते हैं और वो किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करते। सिंह राशि के लोग बहुत ज़्यादा डेयर डेविल होते हैं और इसीलिए सिंह राशि के लोग जनरली मिलिट्री में, आर्मी में और पुलिस में पाए जाते हैं। मुनीम, सर्जन, शिकारी, फायर क्रैकर्स या बॉम्ब के निर्माता, लीडर्स, तानाशाह, ये सब भी सिंह राशि के अंडर आते हैं। पिता कभी भी माता के समान प्रेम नहीं कर सकते। पिता का प्रेम हमेशा स्ट्रिक्ट होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। उसी तरीके से सिंह राशि के लोगों का प्यार करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला और डिसिप्लिन्ड वाला होता है। सिंह राशि के लोग हमेशा नंबर वन पोजीशन पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस राशि के लोगों का मैरिड लाइफ थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है क्योंकि सिंह राशि के लोग अपनी फैमिली पे, बच्चों पे अधिकार जमाना चाहते हैं और उनको हमेशा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाना चाहते हैं और इसीलिए उनकी मैरिड लाइफ में थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगर ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोधित होने की आदत छोड़ दी जाए और थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर को कम किया जाए तो सिंह राशि के लोगों का मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिंह राशि के लोगों का यंग एज काफ़ी अच्छा गुजरता है क्योंकि ये लोग हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, नंबर वन पे रहते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा सा मुश्किल गुजर सकता है क्योंकि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की या एडजस्ट करने की आदत नहीं होती। सिंह राशि ये पुरुष राशि है, ये अग्नि तत्व की उष्ण राशि है और इसीलिए इन लोगों को अपना मान कैसे रखना ये बहुत अच्छे से आता है और ये लोग हमेशा नीति तत्वज्ञान को लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिंह राशि के लोगों को एडजस्ट करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं होता, इसी तरीके से सिंह राशि के लोग कभी भी झूठी तारीफ नहीं कर सकते, किसी को झूठी सांत्वना नहीं दे सकते, मस्का पॉलिश नहीं कर सकते और इसीलिए कई बार सिंह राशि के लोग बिजनेस में और पॉलिटिक्स में कम पड़ जाते हैं। जिस तरीके से पिता अपनी फैमिली का घर चलाते हैं, कठोर बन के परिश्रम करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उसी तरीके से सिंह राशि के पिता मिलना भी बहुत भाग्य की बात होती है क्योंकि सिंह राशि के लोग भी बहुत हार्डवर्किंग होते हैं और अपनी फैमिली का रक्षण करते हैं। सिंह राशि एक चारित्र्यवान, सभ्य, सुसंस्कृत, हार्डवर्किंग और पॉलिटिकल राशि मानी जाती है। सिंह राशि के लोग बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होते हैं। कई बार ये लोग अनरोमांटिक हो जाते हैं लेकिन एथिक्स प्रिंसिपल्स को हमेशा लेकर चलते हैं। सिंह राशि के लोगों के बोन्स स्ट्रांग होते हैं। इन लोगों में स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। सिंह राशि के लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी कभी भी थकते नहीं हैं। सिंह राशि के लोगों के कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर हो तो इस राशि के लोगों को बोन्स से जुड़ी हुई समस्या या फिर बैकबोन की समस्या हो सकती है। सिंह राशि के लोगों ने हार्ट का और पेट का ख्याल हमेशा रखना चाहिए और पित्त विकार से बचना चाहिए। सिंह राशि के लोगों ने सूर्य को नियमित जल देना चाहिए, अपने पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, घर से बाहर निकलते समय एक गुड़ का सेवन करके निकलना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप दिन में 27 बार कम से कम ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा आज का वीडियो था सिंह यानी लियो राशि के ऊपर। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।